आज तो रानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज रानी अपने बर्थ प्लेस यानी कि किटीसू दिल्ली में यहाँ पे जो हमने ड्रैग कल्चर स्टार्ट किया है वो पिछले एक साल से किया है और इसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल ड्रैग आर्टिस्टों ने परफॉर्मेंस की है और यहाँ पे बहुत से इंडियन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है जिसमें से एक बड़ा नाम रानी कोहिनूर के नाम से जन्म हुआ है। तो यही वो जगह है जहाँ पर रानी कोहिनूर का क्रिएशन हुआ और ये मेरे लिए बहुत एक स्पेशल जगह है क्योंकि ये मेरे लिए मंदिर जैसे हैं और बहुत लोग सोचते हैं कि नाइट क्लब किसी के लिए कैसा कोई एक मंदिर हो सकता है, बट मेरे लिए मेरा इधर ड्रैग परसोना का रानी कोहिनूर का जन्म हुआ है यहाँ पर, तो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। टुडे वी आर स्टैंडिंग आफ्टर सेक्शन 377 वर्डे एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू व्हाट यू आर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री ऑन इंडियन टेलीविजन। अ बिग क्लैप टू माय चाइल्ड माय डॉटर। एक्चुअली बहुत ही अनोखी बात है क्योंकि ये सबके साथ नहीं होता, इतना सपोर्ट सबको नहीं मिलता। मेरे मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने जब मेरा फर्स्ट पिक्चर देखा एज रानी, उन लोगों को पहले यकीन नहीं हुआ, तो कहते कि व्हाट रबिश, ये तो कोई अरेबिक कोई मॉडल है। तो फिर अगले जो हफ्ते मैंने परफॉर्म किया उन सबको बुलाया मैंने और उन लोग ने जब ट्रांसफॉर्मेशन देखा दे वर शॉक। अभी अगर उनको बुलाते हैं इनवाइट करते हैं तब वो लोग मुझे टिप्स देते हैं कि ये मत पहनो ये पहनो। दीज वर द सेम फ्रेंड्स जो पहले शॉक थे क्योंकि उनको बिलीव नहीं हुआ, अब वो मेरा वार्डरोब भी डिसाइड करते हैं। तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, नज़रिया लोगों का बदलता है क्योंकि आप अगर हुनर से लोगों का नज़रिया बदलते हो उससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। जब भी मैं रानी को स्टेज पे देखती हूँ इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मैं अपने दिल से जी सारे गामा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने एलजीबीटी कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम दिखाने के लिए इनिशिएटिव लिया एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस एलजीबीटी टैलेंटेड आर्टिस्ट टू गो आउट बिकॉज अब ऐसे प्लेटफॉर्म है। ऑल द बेस्ट रानी को ही नूर, आई एम रूटिंग फॉर यू, किल इट।